जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 11। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू पंडितों के से वचन तो कहता है, लेकिन पंडित जन जो हैं और जो चले गए हैं, उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत और इनका हिंदी में अनुवाद। श्री भगवान उवाच, अशोच्यान् वचोचस्त्वं प्रज्ञावान्दानश्च भाषसि गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परं देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरे तत्र नमुयति। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम उपायिनो नित्यान् तांस्ति तितिक्ष्व भारत। यम हि नाव्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। न अस्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंत त्वन्नयो तत्पदर्शिभि। आइए इनकी हिंदी जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस दूर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। आइए इनकी व्याख्या सुनते हैं। मम्मी जी, करिए जरा एक्सप्लेन इसको। इसमें जो ये तीन शब्द आए हैं 14वें श्लोक में, ये उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, तो पूरा जो सब कुछ चल रहा है वो उसकी मतलब एक क्रिएट हो रहा है फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है, और सब कुछ वो जिसे अनित्य है मतलब वो आता जा रहा है, ट्रांजिएंट स्टेज में है, मतलब आ रहा है जा रहा है। वही उन्होंने सर्दी गर्मी दुख सुख का भी एग्जाम्पल देते, या बालकपन फिर जवानी फिर वृद्धावस्था, ये सब एग्जाम्पल देके कि ये जो सब है ये एक प्रोसेस में सब कुछ चला जा रहा है, और जो आज है वो कल नहीं होगा, कल कुछ और होगा, उसके आगे कुछ और होगा, तो ये सब कुछ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आज तूने ये वाला शरीर का चोला पहन रखा है, कल तो दूसरा चोला आएगा, तो तू इससे इसलिए मतलब वही श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ और किसी चीज में तू फंस नहीं, बस इस बात को गांठ मान ले कि ये सब कुछ टेम्पररी है, आता जाता है, और तो इसके दुख में तू अपने आप को ना डुबो, या किसी के किसी जैसे अपने भाई बंधु का जो वो अटैचमेंट दिखा रहा है
वो नहीं। और पंडित का एग्जाम्पल देखे जनरल का कि पंडित लोग शोक नहीं करते, जो मुझे समझ आया इसमें कि जैसे पंडित हैं वो हर जगह जैसे सब घरों में जाते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ करने या कोई मरा है तो उसका क्रियाक्रम का वो जो पूरा करने के लिए, तो वो उसमें इन्वॉल्व होके वो बस अपना कर्म कर रहे हैं, मेरा कर्म है मुझे करना है, विधि विधान से सारा का सारा काम खत्म करना मैंने, पर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ या किसी शोक में लिप्त नहीं हो रहा हूँ। तो वो एग्जाम्पल ये सब एग्जाम्पल देखे वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड इतना तो किसी चीज से ज्यादा ना मोहित हो और ना दुखी हो। और ये वाला लास्ट वाला ये जो 16th था इसका लास्ट वाला इनफैक्ट मैं खुद ज्यादा समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ी तब मुझे लगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जो मुझे जो वैसे जो समझ आया तो असत वस्तुओं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो जो जो सच है वो तो जैसे वो है ना कि वो तो एक कहते हैं डिफाइंड है या बिल्कुल प्रोनाउंस है और वो हमेशा रहेगा। तो सत वो है जो जैसे हम वो कहते हैं कि होगी राम नाम सत्य है, तो जो है वो ही चीज अमर है, वो ही जो, और ये सत मतलब ये जो नियम है कि आना जाना लगा रहेगा और टेम्पररी है सब कुछ, ट्रांजिएंट में है हम इस फेज में अभी हम, वही जैसे हम उसका भी एग्जाम्पल देते हैं कि एक बड़ा सुंदर मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड से बैंगल बन रही है, रिंग बन रही है, नेकलेस बन रही है, तो बैंगल को पिघला के आप उसकी रिंग बना दोगे, रिंग को बना के नेकलेस बना दोगे, तो मूल जो रहा उसमें वो तो गोल्ड ही रहा। तो उसी तरह से वो रूप अनेक हुए जा रहे हैं पर जो मेन तत्व है वो तो वही रहा, तो वही सत्य है, वही परम सत्य है, बाकी नहीं। तो इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। तो जो तत्व ज्ञानी लोग हैं, जो मतलब जो इस चीज को समझ गए हैं और वो है रिजन अबाव ऑल दिस, तो वो एक कि जो परम सत्य यही है कि तो इसका और तभी वो अभाव नहीं है, वो कह रहे हैं इसलिए कि जिसको समझ आ गया उसके लिए वो कहीं पर भी कोई वो कमी नहीं है कि ये जानने के लिए, क्योंकि उसने अपने में एक तरह का एब्जॉर्ब कर लिया कि यही परम सत्य है। हाँ, ये सत्य पे ही सारा नहीं है कि मतलब उसकी तो कोई रूलिंग नहीं है, रूलिंग सिर्फ सत्य की है, यदि सत्ता उसमें से कहो तो रूलिंग सिर्फ सत्य की है, और चाहे तुम कुछ भी कर लो जिस प्रोसेस में जो नियम के अनुसार जो होना है वो वैसे हो रहा है, तो वही सत्य है और उसी की सत्ता है, वही रूल है, रूलिंग है, जो भी कहो। बढ़िया, हाँ नहीं ठीक बोला है। ये असत का ना, जैसे ये असत वस्तु और सत्ता, सत का ना मैं कुछ, चलो ठीक है, पहले अभी पहले पूछते हैं फिर बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो कौन उपासना, ये दीपा बोल रही हूँ, दीपा कहाँ गई, निकल गई शायद, चलो ठीक है। तो नीलम जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, इसमें पहले पहले तो ये बोला है कि जो पहले ही मरे हुए हैं, मतलब वो अर्जुन सोचता है कि मैं युद्ध में लोगों को मारूंगा, तो ये कहा गया है कि वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, उनके लिए शोक करने का तो कोई रीजन ही नहीं है तुम्हारे पास, या जो मरे हुए हैं या ना मरे हुए हैं उनके बारे में, उनका जो जो उनका कर्म है वो तो उन्होंने भोगना ही है, और ये उनकी आगे की फ्यूचर की फिक्स है, उनका जो कर्म है तुमको उस पर शोक करने की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल दिया है कि पंडित जन जो है उसमें शोक नहीं करते हैं। दूसरे इंद्रियों के विषयों का और इंद्रियों का जो संयोग होता है सॉरी उसके ऊपर जिसका जो उसको अपने बस में कर लेता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी दुख सुख
और हानि लाभ, ये दो तरह के इस तरह के जो चीजें हैं वो जिसको व्याकुल नहीं करती हैं वो ईश्वर के पास पहुंचने के योग्य हो जाता है। और आगे ये कहा गया है कि असत का तो कोई जगह है ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है असत, और सत्य को अंत ही नहीं है, वो अनंत है सत्य। इस प्रकार जो ज्ञानी लोग होते हैं जो इसके तत्व को पहचान लेते हैं कि तत्व कुछ नहीं, असत का कोई वैल्यू नहीं है, और जो तत्व जो सत्य है वो बहुत ही अनंत है, वो जो जान लेते हैं वो ही ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो असली मतलब यही है कि हम घूम फिर के वही आ जाता है कि हमको अपनी जो इंद्रियां हैं, जो कल परसों भी बात हो रही थी कि इंद्रियों के घोड़े पर लगाम देके रखना है, और जो ईश्वर की रजा में चल रहा है, ईश्वर के इशारे पे सब कुछ चल रहा है, उसकी रजा में राजी रहना, घूम घूम के वही बात आ जाती है सब जगह। ठीक है, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, परफेक्ट। बोलिए कौन बचा? हाँ मोना बोलो। इसमें वो मेन तो भगवान ने वो आत्मा का ही बोला है, जिस आत्मा को अमर है, ये मतलब जन्म मरण इसमें बताया है, और ये जो मतलब बीच कुछ टाइम के लिए आए हैं, फिर मतलब ये जन्म फिर द्वारा ऐसे, और ये जो सत्य सत्य का बताया है, ये सत्य जैसे आत्मा है सत्य का, तो और असत्य हो गया ये बार बार जन्म लेना, ये असत्य हो गया, मतलब आज नहीं हाँ आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, पहले आज उनसे पूछ लेते हैं। अनामिका जी आप बोलिए, फिर विनोद जी से पूछेंगे बाद में। हाँ, इसमें यही है कि मतलब पहले वाले श्लोक में तो वो आत्मा के बारे में बात हो रही है कि आत्मा तो मरती नहीं है, इस शरीर में हम मतलब जब तक आत्मा है तब तब तक ही शरीर है, शरीर मतलब बस चेंज करती रहेगी आत्मा। और दूसरा कि जो व्यक्ति सेंटर में होगा उसे बाहर के सिचुएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके आंतरिक जो शांत मन है वो अंतर में हमेशा शांति उसको रहेगी, वो सिर्फ मतलब जो बाहरी तौर पर अशांत हो सकता है लेकिन आंतरिक तौर पर वो शांति रहेगा। और जो ये यहाँ पे असत की बात हो रही है वो मुझे लगता है कि संसार की बात हो रही है, कि जो असत है वो तो संसार है, मतलब वो खत्म होना ही है, और सत्य है वो है परम ब्रह्म जो कभी खत्म नहीं होगा, और इसको सिर्फ वही है जो तत्व ज्ञान को मतलब जो तत्व ज्ञानी है जो इस चीज को मतलब समझ सकता है, वही इस चीज को अलग से बैठे हुए देख सकेगा। हाँ अच्छा, क्लैरिटी से बोला, ये बिल्कुल ठीक है। विनोद जी आप बोलिए। ये सेकंड अध्याय का 11 है ना? हाँ, 11 से हमने 16 तक पढ़ा है। अच्छा, 11 से 16 तक। हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें वही पहले तो वही उसको बताया कि मतलब कि जो आप अगर किसी ने गलत किया है तो उसके प्राण लेने हैं, जो उसके कर्म है जो उसका लिखा गया है वो आपको लेना ही है, तो वो पाप आपको नहीं लगता कि वो उसके कर्मों की वजह से ही उसने युद्ध किया है और गलत राह पे चला है तो उसको दंड देना है। और जैसे आगे कहा गया है कि ये हमें बालपन जवानी वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही शरीर की प्राप्ति मतलब धीरे धीरे मोहित नहीं ये वाला हो गया इंद्रिया। दूसरे वही उसको कह रहे हैं कि दुख सुख जो है सर्दी गर्मी और ये विनाशकारी उत्पत्ति, इसलिए भारत तो मतलब कि वो जो हमारे कर्म में लिखा गया है हम उसी के हिसाब से चलते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जो रहते हैं उनके कर्म अलग रहते हैं और इसीलिए वो उस तरह से उनका जीवन रहता है, और जिसको जाना है वो तुम्हारे हाथों नहीं मरता, उसको नियति ही मारती है, तो उस हिसाब से इसका कार्य यही है। अच्छा, ये लास्ट वाले का नहीं बोला आपने भी, ये असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, इसका भी बोलिए जरा। एक बड़ा असत वस्तु
की सत्ता नहीं होती। असत का अर्थ मतलब वही है जो यहाँ नहीं है, मतलब कि जिसका जो असत्य के ऊपर चलता है, असत्य मतलब जो गलत कर्म करता है उसकी सत्ता नहीं होती, और जो सत्य काम कर्म करता है उसके लिए ही जीवन सही है। मतलब जो सही कर्म करता है उसके सारे मतलब जो सही कर्म करता है, अगर उसके हाथ से कोई गलत अनुचित काम भी हो गया तो वो भी सही गिना जाएगा, क्योंकि उसने अपने कर्म के हिसाब से किया है और ना कि उसमें अपनी कोई पार्शलिटी से काम किया है या कोई गलत तरीके से किया है। तो जो सत्य की राह पे चलता है उसके सारे डिसीजन सही रहते हैं, और असत्य जो है उसकी कोई सत्ता नहीं रहती, मतलब उसका अंत निश्चित है। और सत्य जो जो सत्य पे चलता है उसको मतलब कि भगवान से मिलना उसका जो लक्ष्य है वो पूरा ही होता है। सही है। हाँ, ये जो सत और असत का जो इसमें फर्क बताया ना, सत और असत का मतलब वो चीज बताइए कि जो मटेरियल जगत है, मटेरियल में मेरा मन भी आ जाता है, मटेरियल है मेरा मन भी, और जो बॉडी है वो भी असत। जो बॉडी असत मतलब ये, क्योंकि वो उसको क्षणभंगुर में लिया जाता है कि वो हर समय उसको डिट्रॉयड मतलब वो खराब होती चली जा रही है ना, तो इस प्रकार से ये असत वस्तु में हर चीज वो परिवर्तनशील जगत सारा टोटल काउंट हो जाएगा, उसमें मन का भी कि मेरा आज कुछ मन है और कल कुछ मन नहीं है। तो जो हम जो डिसीजन सत्य हुआ हो गया, जैसे आप ये समझ लीजिए कि मैं चलता फिरता कंप्यूटर हूँ, ये कंप्यूटर मेरी बॉडी के साथ मेरे साथ ही अटैच हुई हुई है, जो बॉडी है ये कंप्यूटर, और जो मन है वो सूक्ष्म जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो डला हुआ है वो हो गया, और इसके अंदर मैं बैठी हुई मैं चलाने वाली हूँ, ऑपरेट करने वाली इसको। तो अब ये जो मैं हूँ तत्व वो होता है कि जो मैं हूँ जो एनर्जी देने वाली है, तो चेतना पे हमेशा चैतन्य पे चॉइस होती है। चॉइस इस प्रकार से होती है, ये पशु योनि में नहीं होती लेकिन हमारे पास है, मनुष्य योनि ऐसी है कि इसमें चॉइस है हमारे पास में। जैसे इसमें बता रहे हैं अब देह का धर्म है उसको गर्मी सर्दी लगनी है, लेकिन मेरे पास चॉइस है कि मैं एसी चला के थोड़े से ठंडक ले सकती हूँ, कुछ भी जो है बाहर सूर्य से बचने के लिए मैं वो कर सकती हूँ। तो सर्दी गर्मी जो लग रही है वो मेरी बॉडी को लग रही है। तो ये ना अवेयरनेस में, जैसे आप एक एक टाइम में अवेयरनेस में आप रहेंगे ना, तो जैसे कहते हैं कि इसको अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी पड़ती है कि ये शरीर है इसको भूख लगी, मुझे नहीं लगी भूख क्योंकि मैंने ये जाना शरीर को लगी भूख, ये मैंने जाना। तो आप तत्व में तब स्थापित होंगे जब बॉडी की क्रियाकलापों को आप अपने साथ में काउंट नहीं करेंगे, तो तब वो चीज़ अवेयरनेस होती है। तो सत वस्तु मतलब मेरा जो मैं हूँ, आई जो है, आई टेंडेंसी कह दीजिए, आई टेंडेंसी ही सुप्रीम बन जाती है जब वो पूरी तरह से अवेयरनेस में इस बॉडी को ऑपरेट करती है। तो बॉडी को ऑपरेट करना और मन को, मन के साथ में बॉडी को अटैच करना, तो जैसे जो मेरे शरीर तो दृश्य देखा, दृश्यमान जगत देखा, तो इसमें कह रहे हैं कि इंद्रिय और विषय, विषय भार पड़ा है, इंद्रियां मेरे पास में है, उन दोनों ने चीजें दोनों का कॉन्टेक्ट हुआ, तो उसमें तीसरा जो ना तो विषय ही कुछ करता है ना इंद्रियां कुछ करती हैं, दोनों डेड पड़ी रहती हैं, दोनों का कॉन्टेक्ट किससे आता है, बीच में मन, मन उसमें जब शामिल होता है तब आता है, और फिर मन को जो ऊर्जा देने वाली हूँ वो मैं हूँ। आई टेंडेंसी बार बार वो देती है उसके अंदर। तो वो जो आई टेंडेंसी जब अपने स्वरूप को जान लेती है, तत्व को जान लिया, आई टेंडेंसी मतलब मैंने तत्व को जान लिया कि ये बॉडी भी नहीं रहेगी तो भी मेरा एग्जिस्टेंस पूरी बनी हुई है। जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे ना, तो सत के असत वस्तु के साथ में अटैच होके जो आदमी वैसा जो जी रहा है ना, जैसे झूठ सच की जिंदगी बोल रहा है। जैसे मैंने ये कह दिया कि मैंने आपसे विमी जी से मैंने कुछ उधार लिया और मैं कल को नकार देती हूँ, तो ये चीज हो गई सत्य, झूठ और सच हो गया। ये झूठ सच उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये सच सत्य उसकी बात हो रही है जो चीज आपने असत को पकड़ लिया, असत मतलब बॉडी और मन को पकड़ लिया, आप मन के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरे के मन के अकॉर्डिंग कि उसको अच्छा लगेगा तो आप शब्द ऐसे वाले बोल रहे हैं, लेकिन जो आत्मा से निकला शब्द है वो उसको क्योर करेगा। अब कोई कड़वी चीज भी जो चीज बोली जा रही है, शब्द वही सुंदर जो मेरे मन का बोझ उतार दे, शब्द वो सुंदर नहीं है जो मेरे मन को और मजबूत बना दे,
कोई रो रहा है मनुष्य, और उसको ये कह दिया जाए कि ये जो तू रो रहा है शरीर के लिए कोई चला गया तो उसके लिए तू रो रहा है, तो तू उसको उसको इस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, तो तू तो शरीर ही नहीं है, तू शरीर उस वाले उस पर बैठ जाके आई जो है आई उसके बाद में भी रहती है। लेकिन ये चक्कर ये है कि ये जो हम भ्रमित हो जाते हैं ना, क्योंकि जो आई टेंडेंसी है वो अभी बॉडी है, तो बॉडी दिखते हुए में हमें ऐसा लगता है कि आई टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जैसे ये मर जाएगी इसके बाद में, बॉडी नहीं रहेगी तो मर जाएगी ये, ऐसा नहीं है। लेकिन तो वो जो चीज़ है वो सारा जो होता है वो मन का होता है, क्योंकि मन हमारा अटैच होता है ना उस बॉडी के साथ में, तो जो होता है, तो ये जो कर्म का जो भी दोष लगता है ना हमें, वो इंद्रिय और विषय के कॉन्टेक्ट से नहीं लगता, जहाँ पर हमारा मन इन्वॉल्व हो जाता है। अब मन को कहते हैं तू जो है आत्मा को दर्शन करा दे, तो मन तो आत्मा को नहीं जान सकता, आत्मा पे समर्पित होता है, तो मन को ये जो है नॉलेज दी जाती है बार बार कि तू जो है इससे शरीर से और मन से अपना तादात्म, मन को ये बताया जाता है कि जो जो आई जो रियल आई है वो पूर्ण है, पूर्ण है, वो बिना तेरे भी रहती है, तो तू मन के पीछे पीछे उसको पीछे पीछे ना घूमे। तो अब मैं जो हो गई, यदि मैं मन के हिसाब से चलती हूँ तो मैं मन की वो हो गई ना, मन की सेवक हो गई, लेकिन मन को बनाना है सेवक आत्मा का। तो आत्मा क्या चीज़ है, अब आत्मा के गुण याद कर लेते हैं। तो आत्मा निर्गुण निर्गुण निराकार ये सब है, तो जो आत्मा वाला जो भाव है तो उसको हमें हमें उतारना पड़ेगा मन के अंदर। तो मन हमारा हमेशा बार बार इस नॉलेज में रहे कि सारा जगत एक ही है, एक ही तत्व से जो है सारा जगत ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जो एनर्जी जो ऊर्जा है वो एक जड़ उसमें चीज में भी है, स्टोन में भी है, तो स्टोन में भी वो जो जड़ ऊर्जा जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा वो मैं हो गई ना, आई मैं हो गई, तो अब मैं जो इस बॉडी जो मेरे को मिली हुई है तो उसको मैं फिर ठीक से ऑपरेट करूंगी ना। तो ऐसा ये चीज जो बता रहे हैं, तो सत सत वस्तु का अभाव मतलब मेरा अभाव नहीं है, आई एनर्जी का कोई अभाव नहीं है, एनर्जी परिवर्तित होती रहेगी, पदार्थ बदलता रहेगा, पदार्थ बदलता सारा कुछ पदार्थ जगत है वो असत वस्तु में आ जाता है टोटल। तो ये चीज बता रहे हैं, तो तत्व के बिना, तत्व ज्ञान के बिना हमारी वो नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ जो फिजिकल वर्ल्ड जो हमें दिखता है उसमें जो भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो हमको बार बार परेशान करता है। तत्व ज्ञानी उस अवस्था को कहा जाता है कि जो जन्म मृत्यु से परे वाली अवस्था हो गई ना। मैंने जितना भी कंप्यूटर लिया है, कंप्यूटर मेरे उसके हिसाब से मिला है मुझे, ये जो भी मेरे कर्मों का जो अकाउंट था ना उसके हिसाब से मेरे को मिला है, लेकिन शुद्ध स्वरूप शुद्ध बुद्ध स्वरूप तो मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म की एनर्जी सारे भूतों में ऑपरेट कर रही है, हर जीव में ऑपरेट कर रही है, तो जब उसी की एनर्जी ऑपरेट कर रही है, लेकिन जब मन के कारण जब हमारे होते हैं तो फिर मन को दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब मन को दिया जाता है तो वो पंडित जन कह रहे हैं कि जैसे जिनको वैसे फिजिकल नॉलेज तो है, लेकिन अब इसमें कह रहे हैं जैसे प्राण चले गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते, प्राण चले गए हैं उसके लिए शोक इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि वो पहले से भी अटैच नहीं थे, अटैच नहीं होते, हम अटैच नहीं हैं जब शरीर के साथ में, जब हमने शरीर को माना ही नहीं, जब तक मैं अपने स्वयं को नहीं जानूंगी ना तब तक मैं अटैच ही होती रहूंगी, हर बॉडीज के साथ में मैंने जो है अपना मन अपना साथ में जोड़ लिया, तो वो जो चीज़ है तो वो बताई जा रही है। तो उसमें कह रहे हैं ना कि जो तू मर गए हैं उनके लिए भी तू शोक ना करो, जो नहीं मरे हैं, मर गए मतलब वो कि जिनकी बॉडी परिवर्तन हो गई, जिनको जिन्होंने मोक्ष नहीं पाया, और मोक्ष भी क्या है, जीते जी की अवस्था है, मृत्यु के बाद का मोक्ष नहीं चलता, पहले मोक्ष की अवस्था ये है कि मैं तत्व ज्ञान में स्थापित हो जाऊं, पहले तत्व ज्ञान ये है कि बॉडी और मन से मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, उनसे पहले ही मैं अपना पीछा जब छुटा चुकी तो तब मेरी मोक्ष की अवस्था आएगी, चाहे इवन चाहे मैं जेल में भी हूं तो भी मैं मोक्ष की अवस्था में रह सकती हूं, क्योंकि मैंने बॉडी और मन के साथ में मैंने अपने आप को नहीं जोड़ा हुआ, मैं अपने रियल स्वरूप में स्थापित हूं। ये स्थिति जो है ये सत असत वाला जो ये जो श्लोक था ना, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसको, जरा एक जना और ये फिर एक्सप्लेन करो जरा सा ये वाला, सभी लोग करिए। हाँ जी विनोद जी जरा करिए, आप शुरू कीजिए वाला 16 श्लोक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये जब तक नहीं समझ आया ना तो आप समझ लीजिए, जितना भी हम चाहे नानक वाणी पढ़ लें चाहे कुछ पढ़ लें तो वो सब चीज़ों में हम नहीं उतरेंगे, मतलब बॉडी को जब तक हमने इंस्ट्रूमेंट की तरह मानकर और उसको असत नहीं हमने स्वीकार करा, तो वो जो बॉडी से जो चीज़ें जो हम कर्म करते कराते हैं ना बॉडी को, सुख दिया दुख दिया वो सब करा, तो वो जो है मन के कारण जो सारा चीज चल रही है, जैसे मन नहीं इंक्लूड करा जाए उसमें तो आपको भूख की भी फीलिंग नहीं होगी, बॉडी को उसकी भी नहीं होती, वो नहीं होती, बीच में नहीं आता, बस वो बॉडी जैसे एक असहाय पड़ी है और आप जो है उसके अंदर डाल रहे हैं खाना, तो वो चीज इस तरीके से हो जाती है। हाँ जी विनोद जी जरा बोलिए आप। मतलब ये इसी तरह से कि मतलब जो है आत्मा जो है वो प्योर सोल है और वही जो करती है वो सही है, मतलब जैसे साधु लोग
क्या बोलते हैं गुफा में मेडिटेशन करते हैं, तो वो कई दिनों तक खाना पीना कुछ करते नहीं है, तो वो सिर्फ मन की शांति के हिसाब से मेडिटेशन करते हैं, तो वो बॉडी की नहीं सुनते हैं और आत्मा की सुनते हैं। तो उसी तरह से अगर रियल जीवन में हमको अपनाना है उसको, तो बॉडी के हिसाब से नहीं चलना है, कर्म जो सही है मतलब इम्पार्शियल होके करना है, कोई भी कर्म जो सही कर्म है हमको करना है उस पर इम्पार्शियल होके, मतलब कि पार्शलिटी नहीं करनी है, जो सही चीज है सही व्यक्ति के साथ करना है, उसी के साथ जाना है, सत्य के साथ जाना है, मतलब अर्थ वही है कि गलत चीज नहीं करनी है और सत्य के साथ जाना है। तो उसमें जो भी आप काम करोगे शुद्ध होंगे, तो शुद्ध मन से शुद्ध डिसीजन लेंगे तो सही जगह पे कर्म करेंगे, तो वैसे ही होगा। हाँ अब ठीक बोला है, बिल्कुल हाँ अब ठीक है बिल्कुल। चलिए हाँ जी बोलिए मिम्मी जी। हाँ स्पेसिफिक टू ये आखिरी वाला श्लोक 16वां वाला, इसमें असत वस्तु के असत मतलब ये जैसे जो हमारा शरीर है जो सबको जो देख रहे हैं जो एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में जैसे आकार कहो या वो एक एक हाँ वही जो दिया हुआ आकार ये हमारी बॉडी को कहा गया है, और सत्य है आत्मा। तो इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी, दोनों का तत्व मतलब दोनों का मूल जो स्वरूप है कि जो शरीर है वो तो नश्वर है और शरीर ही और आत्मा जो है वो ही जैसे कहते हैं अजर अमर आत्मा है। तो ये जिन लोगों ने जो जो तत्व ज्ञानी पुरुष हैं जो मूल स्वरूप को समझते हैं, दोनों के मूल स्वरूप को समझ रहे हैं और दोनों की क्या कहते हैं क्वालिटी का हो या उसके क्या कहते हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो समझ रहे हैं, दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो वही वो अर्जुन को भी वही समझा रहे हैं कि तू भी उन तत्व ज्ञानी पुरुषों की तरह बन और ये समझ कि ये शरीर जो है आत्मा अजर अमर है, शरीर आता जा रहा है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई जा रही है, कभी वो वही जैसे काइनेटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी कौन सी, तो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है पर मूल एक ही वो एनर्जी है। तो जो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इस को तू समझ और जब तू इसको समझ लेगा तो तुझे अपने आप फिर वही है कि फिर तो वो उन पंडितों की श्रेणी में आ जाएगा जो फिर शोक नहीं मना रहे क्योंकि उनके समझ आ गया कि आज ये है कल नहीं होगा, तो वो शोक जैसे नहीं होगा, then you know कि it's in a different form it will is going to be existing later। हाँ जैसे ये जो एनर्जी की फॉर्म नहीं कहा जाएगा उसको, जैसे एनर्जी तो एक ही एनर्जी हुई, एनर्जी चाहे एसी में हुई चाहे हीटर में हुई, लेकिन वो पदार्थ में जैसे अब किसी कार में एक सेल लगाया जाए और एक जो है स्कूटर में लगाया जाए मोटर बाइक में लगाया जाए तो सेल की एनर्जी तो एक ही हुई, तो एनर्जी मैं हूँ यहाँ आइए। या वी आर बाउइंग डाउन टू द सुप्रीम एनर्जी, तो वो एक एनर्जी जो इतने में उसमें वो कन्वर्ट हो रही है। तो अब वो इसका भी मैं कल परसों पढ़ रही थी, इसका ये जो भी सो कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स कहा गया था कि वो देखी गई, वो उसका इतना सही था कि किस तरह से वो सन की एनर्जी जब तक वो अंदर है फिर वो उसके बिल्कुल बाउंड्री पर है वो वहां से डिसिपेट कर देते हैं वो जो भी जो दैट पार्ट ऑफ एनर्जी उसकी जैसे बाउंड्री से, और वो फिर इसमें वो एनर्जी वो बाहर निकल जाती है और फिर जब वो फैल जाती है और फिर वो अर्थ के जब एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ मिलती है फिर उसकी वो एक और उसमें कन्वर्ट होके एक और रूप में कन्वर्ट होके और वो फिर वो जो 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 भी देखे गए लद्दाख में देखे गए या और जगह लद्दाख में तो बहुत थोड़ा सा देखा गया पर और जगह जो देखा गया कि पूरे जैसे नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है तो इतने कलर्स इतने कलर्स, तो वो वही वो सेम एनर्जी वो सन की एनर्जी की जो बाउंड्री पर थी और कोर में कोई और एनर्जी और फिर बाउंड्री पर वो कैसे डिसिपेट हुई दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिली और फिर उसका रूप स्वरूप भी बदल गया, तो वही है।
यही सब कुछ। हाँ तो वो एनर्जी मैं हूँ आई, जैसे वो एनर्जी मैं हूँ, मैं आई जो है, आई वो एनर्जी है। मेरा स्वरूप बदला हुआ है, मतलब मेरा जैसे कोई एनर्जी कहते हैं औरों में भी है, और जीवों में है, इवन फॉर दैट मैटर रॉक्स में भी है, हाँ जिन्हें कह रहे हैं उनमें भी है। हाँ तो हाँ तो फर्क जो होता जो है कि हमारा परसेप्शन, हमारा वो जो लोग परसीव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम उसको अलग समझ रहे हैं पर वो अलग नहीं है। हाँ तो जैसे एनर्जी वो हो गई, ठीक है। तो लेकिन अब उसमें जो एनर्जी हो गई, तो उसमें जो हम पाप और पुण्य की जो परिभाषा लेते हैं, तो उसमें हमारा फिर बीच पे वो मन काउंट आ जाता है ना, बीच में जो मन आया है, तो वो एनर्जी एनर्जी सब में सेम है, आकृतियां फर्क फर्क हो गई, कोई हीट दे रही है, कोई कूलिंग दे रही है, इस तरीके से हो गया। जैसे सन जो है हीट देता है, और जो मून होता है वो कूलिंग देता है, कूलिंग इफेक्ट होता है उसका। तो वो एक जो पात्र है, वो पात्र में वो एनर्जी सेम डाली गई। अब जो ह्यूमन बर्थ है, ह्यूमन बर्थ में जो मेरा मन है, मैं मन से, यदि मन को मन से पार वाली स्टेज में चली जाऊं, उस एनर्जी को जानने की सामर्थ्य है कि मैं हूं कौन वास्तव में, तो मैं वो एनर्जी हूं। तो जब आप, और वही एनर्जी सारे ही ब्रह्मांड में वही एनर्जी चल रही है, मैनिफेस्ट जो जो दिख रही है चीजें, सब में वो एनर्जी चल रही है। तो वो एनर्जी परम हो गई एनर्जी, परम सुप्रीम हो गई वो। तो सुप्रीम और मेरे में कुछ फर्क नहीं रह गया। तो जब उस लेवल पर मैं सारा सारे ही उसके साथ में एक समान व्यवहार करती हूँ, एक समान मतलब जहां पर अब ह्यूमन बर्थ में मन बीच में आ गया, अब मन बीच में आ गया तो उसमें क्या हो गया, समभाव नहीं रह गया, विषमता है ना, प्रकृति में विषमता है कि जो दिखने की जो सारी जो चीजें हैं, तो उसमें विषमता है, अब विषम भाव ही रहता है। तो उसमें मुझे समभाव अंदर से रखना है कि एनर्जी वही है, लेकिन समभाव में मैं तब उतरूंगी जब मैं आत्मिक लेवल पर जब जीवन को ऑपरेट करूंगी इस बॉडी से। समझ गए, ये वाला जो 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 एनर्जी है वो सत है, असत वो हो गई जितनी भी सारी मैनिफेस्टेशन, जितनी भी मैनिफेस्ट जगत जो हमें दिखता है वो। हाँ, वो असत हो गई, वो असत हो गई। हाँ मैं ये कह रही हूँ, तो वो एनर्जी का कभी नाश नहीं है, वो कहाँ से आई कहाँ से, उसका नाश नहीं है। तो वो स्वयं मैं हूँ, तो मेरे को उसमें जाके मर्ज हो जाना है, बस मेरे को मर्ज होना है ना अपना, बस ये चीज है, ये पूरा निचोड़ है इसका। ये श्लोक मतलब इन्होंने सेकंड चैप्टर में ऐसा दे दिया, सबसे ऊंचा श्लोक है ये गीता का। इसको रमण महर्षि ने भी अपने, उन्होंने 42 श्लोकों को जो है अलग किया इसमें से, गीता में से 42 श्लोक में से ये वाला श्लोक भी उन्होंने लिया हुआ है उसमें। ये श्लोक सबसे ज्यादा प्राइम श्लोक है ये, जबरदस्त। चलिए बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा। हाँ अरे ये रह गए अभी मोना, और वो रह गई मोना, बोलो जी। नहीं नहीं बोलो, कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो वही है, इंसान यहाँ आके मतलब जैसे भूल जाता है, हमें भी मतलब वापिस भी जाना है, उस चीज के साथ जुड़ के रहना है। नहीं आज नहीं हो पाया। हाँ नहीं वो है, ये हम गलत असत के साथ जुड़ गए, असत के साथ हमने मन अपना अटैच कर लिया, ये चीज है बस। अनामिका जी, हाँ हाँ यही चीज है, अनामिका जी यहाँ से बोलिए। जाने का कोई मतलब नहीं चांस जाना, नहीं है? जाना आना नहीं है हमें कहीं भी, ये जाना आना भी सब गलत है, ये सब चीजें जाना आना, हम तो कहीं जाते आते नहीं ना, जाना आने का नहीं है लेना देना। एनर्जी वो खत्म ही नहीं होती ना, एनर्जी आपकी बॉडी भी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस वो बाद में होगा ना, जैसे वो बाद में होता है कि बॉडी जा रही है और आप हैं, ये चीज एक्सपीरियंस होती है, आप हैं, एनर्जी है, बॉडी चली गई है, बॉडी चली गई कोई मैटर नहीं है। बोलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था वो खत्म हो गया बस, जो बोलता था, जिसके थ्रू जैसे मैं एनर्जी जो बोल रही हूँ, तो वो बाहर में कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा वाला चाहिए ना जो बाहर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में दिल लगा लिया अपना, ये चीज है। वो एक्सपीरियंस होता है वो ना, जीते जी में भी होता है। और जब जो बुद्ध पुरुष जब अपना वो छोड़ते हैं ना, शरीर छोड़ते हैं, तो उनको पता होता है ये शरीर जा रहा है, मैं हूं, वो अवस्था आ जाती है। चलिए ठीक है ना, मतलब सरकार से आसक्ति हटानी है, मतलब हमें ना आसक्त हुए हुए अपने शरीर से भी हाँ, आसक्त जैसे पराए उसके साथ लगा लिया आपने, किसी ने जैसे किसी प्रेमिका ने पराए उसके साथ में, मतलब अब उसका हस्बैंड है लेकिन उसने किसी दूसरे उसके साथ में अपना जी लगाया हुआ है, और वो बेचैन रह रही है, तो ये अवस्था उसकी होती है बुद्धों की।
बुद्धों की अवस्था ये होती है ना कि वो उनका क्या होता है, ये संसार में तो पड़े हैं, लेकिन उनका उल्टा होता है कि वो जीव उनका वहां लगा होता है कि परम सोर्स जो है ये शरीर ही। हाँ बिम्मी जी बोलिए, आप बोलिए। जी, एक यही मुझे एक वो आ रहा था कि जैसे जो लोग कोमा में होते हैं, वो काफी बार कहा गया कि जब वो कोमा से बाहर निकलते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का कहा है कि वो सब कुछ जैसे सुन पा रहे थे, और एक तरह सुन पा रहे थे, पर क्योंकि उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, मतलब उस वे से कि इंद्रियां, सारी इंद्रियां नहीं काम कर रही थी, तो वो जैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हाथ नहीं चल रहे, तो वो कुछ नहीं, वो आंखें नहीं खुल रही, पर अंदर मतलब आसपास का वो सब कुछ जैसे उनको आभास था। तो वही है कि वो एनर्जी, वो कोई एनर्जी उनके उनमें एक डोरमेंट स्टेज में है, और फिर वो जब वो कोमा से बाहर आए तो वो एक्टिव में। तो यही हमारे शरीर का है कि जब हमारे शरीर को एक वो जैसे एक हमें एक वो शरीर रूपी एक वो तत्व दे दिया है, जो हमारे ऊपर एक जैसे क्या कहो कपड़ा चढ़ा हुआ है, और उस कपड़े के कारण हमारी वो हमारा वो स्वरूप बदल गया है। पर अंदर हम मतलब वही हमारा एग्जिस्टेंस जो है वही वो वैसे का वैसे ही बरकरार है, और वो ही सत्य है। उसका बस वही है कि जिस रूप में हम अलग अलग उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में आ गए, तो उस अकॉर्डिंग हम बिहेव करने लगे, पर मूल रूप वही रहा। तो वही जैसे कोमा में हो, तो कोमा में वो बंदा शरीर से जैसे वो कहते हैं इनएक्टिव है, पर उसका अंदर का जो वो मूल है वो कहीं ना कहीं वो वही है। मैं थोड़ा सा वो थोड़ा हाँ, जाने का नहीं, मैं मुझे समझ रही हूँ एग्जाम्पल इसको। आया ये कि ना, हाँ ये चीज बताई ही नहीं जा सकती। जैसे मन है ना, मन कौन से मन से मैंने कोई चीज की, तो ये मैं मन को मैं बहुत ज्यादा भी बोलूंगी तो भी मैं अपने मन तक की भी बहुत ज्यादा भाषा में नहीं बता पाऊंगी कि मैंने कौन से मन से किसी को कुछ किया। तो ये चीज जैसे कहते हैं ना, वो बिना बोले ही रह जाती है, उसको नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, लेकिन पता चल रहा है, ये चीज पता चल रही है। ठीक है, अनामिका जी बोलिए, आप लास्ट, आपका रह जाएगा नहीं तो। इसमें मतलब यही समझ में आया कि मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो प्रभाव सिर्फ शरीर और मन पे करे, हमें एक्चुअल में देखने वाला बनना है। और मतलब कि वही जो देखने वाले जब अपन बन जाएंगे, तो मतलब जो चीजें हो रही है वो तो होती रहेगी, लेकिन वो अफेक्ट नहीं करेगी वैसे, मतलब जो भी वो आंतरिक शांति बोले या जो भी बोले उसको वो हिलाएगी नहीं, बस यही बोलना। हाँ ठीक है, बिल्कुल।